चलो जी, काल खत्म हो गई है। आपका दोस्त संतोष केसरानी आपके साथ मौजूद है। आज ऐसे शख्स से आपको मिलाना चाह रहा हूँ, उन्हीं की आईडी से, कि थोड़ा सा वीडियो से डरते हैं। वीडियो कोई ऐसी डरावनी चीज नहीं है जो डरते हैं। आज इनको मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो की ताकत क्या है और वीडियो से हम लोगों के दिल किस तरह से जीतते हैं। तो शफीक साहब से आपको मिलाना चाह रहा हूँ। शफीक साहब एक ऐसा काम करते हैं कि वो दुनिया में कम लोग करते हैं। जिस तरह से आप इनकी प्रोफाइल जब विजिट करेंगे तो इनकी प्रोफाइल पे ये लिखा हुआ है, हेल्प पुअर पीपल्स। तो ज़िंदगी में ऐसे कम लोग हैं जो ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उनका ज़िंदगी का मकसद है। किसी ने कहा ज़िंदगी जो होती है वो औरों के लिए जी जाए। तो मिले हैं शफीक साहब से, शफीक साहब की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, शफीक साहब क्यों इस काम में आए और क्या करना चाहते हैं। तो मिलते हैं शफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसी दिवस सर? तो सर कैसे, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं दोस्तों को, जिस तरह से काफ़ी दोस्त आपको जानते हैं लेकिन लाइव कभी आपसे किसी ने बात नहीं की, लाइव आपसे कभी मिले नहीं, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो आपको पता है, सोशल मीडिया का दौर है। लोग खाते हैं, पीते हैं, जहाँ घूमते हैं वो अपने आप की चीज़ें शेयरिंग करते हैं, ताकि वो मोटिव होके हमें भी बताएं, हमें भी दिखाएं। जी, मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं दूसरों की खिदमत करूँ, मदद करूँ, अच्छा लगता था। जब भी फिर मैंने मेडिकल फील्ड चूज़ किया कि मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम खिदमत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसा ही कमाना है, लोगों की खिदमत करने से भी बहुत दिल को सुकून मिला। तो मैं फिर जॉब के लिए अलंसार मैंने ज्वाइन किया 2008 में। जब से मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, यहाँ से भी सपोर्ट होती है लोगों की। ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, हमारे जो ऑनर हैं आसिफ भाई हैं, डॉक्टर इब्राहिम बाड़ी हैं, ये लोग भी दूसरों की मदद करते हैं। तो मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ अलंसार से। तो यहाँ से लोगों को खिदमत होती है, रमज़ान में राशन मिलते हैं, लोगों का ऑपरेशन होता है, फ्री आँखों का ऑपरेशन होता है, हर हफ्ते शुगर की और आँखों की फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं। प्लस मैं अपने तौर पर जो भी कुछ कर सकता हूँ, मुझसे हो सकता है वो मैं करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में इसी लिहाज से गुजारता हूँ कि अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद और होने का। अच्छा सर, ये कैसे आपको लगा कि इस पे, एक तो ये तो खुली हुई है अलंसार, लेकिन आप ही इसमें शामिल हुए, कुछ और लोग शामिल हुए, लेकिन पूरी दुनिया इसमें शामिल हुए, पूरी दुनिया अपने हिस्से का जो दिया जलाए, वो किस तरह से हो सकते हैं और आप किस तरह से इसमें आए? हर बंदा इसमें शामिल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी इदारे से मुंसलिक हो। आप अगर रोड पे खड़े हैं तो कोई बूढ़ा या कोई भी ऐसी फैमिली हो जो रोड क्रॉस नहीं कर सक रहा है, तो आप उसको रोड क्रॉस करवा सकते हैं, तो ये भी हेल्प है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके जेब में पैसे हैं उसको आप पैसे दे के उसकी हेल्प करें, रोड को क्रॉस कराना ये भी हेल्प है। कोई नाबीना हो, कोई अपाहिज हो, उसकी आप मदद कर सकते हैं, उसको कहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप बाइक पे जा रहे हैं, कोई लिफ्ट मांग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं चल सकता, ये नहीं जा सकता, ज़यीफ़ है, कोई माजूर है, तो उसको आप लिफ्ट दे के उसकी हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पैसों से हेल्प करें, हम अपनी जान से भी कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं। रोड पे कोई रुकावट है आप उसको हटा सकते हैं, तो अगर आप हटा रहे हैं तो आप ये सोचें कि उसमें कितने लोगों की हेल्प हो गई, कि कोई अगर टकरा जाता, गिर जाता, उसमें भी आप हेल्प कर सकते हैं। अपनी सोच को आप इस तरह करें कि बस हम जो हम काम कर रहे हैं, कोई भी रुकावट है लाइफ में, रास्ते में, कुछ भी, वो आप हटाते रहें तो वो आप पीछे लोगों की खिदमत करते रहेंगे, ये सबका जारिया भी है। ज़बरदस्त। अच्छा शफी साहब, आपको पता है हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, यहाँ पे हर जगह है, समंदर भी है, नदियाँ हैं, सब कुछ है, हमें पता नहीं। अल्लाह पाक ने हमारे पाकिस्तान को हर चीज़ से मालामाल किया है, हर चीज़ इसमें बहुत सारा, मतलब अल्लाह पाक ने हर चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इसमें दी है कि लोग खाते रहते हैं लेकिन फिर भी ख़त्म। अच्छा दूसरी बात, आपने देखी, अब आप वीडियो खोलेंगे ना जब यूट्यूब पे आएंगे, तो यहाँ के जो दूसरे मुल्क के अंग्रेज़ हैं वो आके हमारे पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं मेरी बात का आप समझे कि वो आके दिखा रहे हैं, फिर हम कब दिखाएंगे, मुझे ये बताएं। नहीं, हम भी दिखाएंगे, हम भी अपने मुल्क के, अपने एरिया के बहुत सारी चीज़ों को दिखाएंगे। मैं खुद भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपने इलाके के और अपने जहाँ हम काम करते हैं, इन सब चीज़ों की हम लोगों को, मतलब आवाम को दिखाएं कि ऐसे ऐसी चीज़ हम काम करते हैं, खिदमत करते हैं, और ये हमारा इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है, हमारी औरंगी बहुत खूबसूरत है, यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और अल्लाह का शुक्र है अब औरंगी टाउन पूरे रात खुला रहता है, आप कहीं पे भी चले जाएं कहीं आपको बंद नहीं मिलेगी कोई भी चीज़। अच्छा सर, और ये बात है बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ कि सबके पास अपना चैनल है, यानी पहले जाते थे हम यूट्यूब पे
टीवी पे जाएं, लेकिन अब तो आपकी टीवी आपके हाथ में है। जी जी, अब जरूर नहीं कि हम टीवी चैनल पे ही जाएं, लोगों के मतलब वो बोलते हैं कि इंतजार करें किस चीज का, इंतजार करें या किसी की खुशामद करें कि हम अब अपना टीवी अपने हाथ में, अपना कैमरा अपने हाथ में और बनाए बना सकते। और जब तक अब शफीक साहब कहाँ से, किस जगह से? मैं औरंगी टाउन सेक्टर 11:30। ठीक है, औरंगी टाउन। अब अमरकोट वालों को तो पता ही नहीं औरंगी टाउन कहाँ है। जी जी, तो हम बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये होता है कि जो भी जिस गांव से दोस्त है उसकी वो वीडियो बनाए, उसकी तस्वीरें लगाए, ताकि वो अपने चीज को वैल्यू एडिशन करे। अब ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता, इतनी दुआएं जीत रहे हैं अल्लाह। 2010 और 2011 में ओवरकोट में जब सैलाब का वो आया था, तो हम वहाँ पे भी गए थे, कैंपिंग की थी, लोगों को राशन भी दिया था, मेडिकल कैंप भी किया था, आंखों का चेकअप भी किया था, हम गए थे वहाँ पे ओवरकोट में। वहाँ मदरसे में भी काम होता है हमारा। बिल्कुल, ये मैंने डॉक्टर साहब से सुना था और उन्होंने कहा था नेक्स्ट कैंप हम लगाए थे। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें जो अच्छे काम करते हैं उसको ढोल बजा के करें। जब हम ढोल बजा के अच्छे काम करें। अच्छा, अब यहाँ घटन का ढक्कन कोई साफ करता है उसकी खबर आती है अखबार में? नहीं नहीं, उसकी तो खबर नहीं आती। अच्छा, अगर मैं आपको अभी चमाट मार दूं खबर आ जाएगी? हाँ, अभी आ जाएगी क्योंकि ऑनलाइन। तो मसला ये है कि नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है, पॉजिटिविटी कम होती है, कम जी, होती जी, है। जी। तो हमें क्या करना चाहिए? पॉजिटिविटी की वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह अपने चैनल पे हम अपलोड करेंगे। तो आप अब अपना चैनल का नाम बताएंगे, आज के बाद सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। क्योंकि जो इंसान लोगों की हेल्प करता है, जो इंसान लोगों का एहसास दर्द समझता है, तो वो बहुत कुछ आपको सिखाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप आज आपके यूट्यूब का हम नाम रखें। जी, नाम बताएं, क्या नाम रखें? शफीक अहमद सिद्दीकी। शफीक अहमद सिद्दीकी, ये यूट्यूब का चैनल है, मैं इस पर आपको पोस्ट भी कर दूंगा और आप मज़ीद रोज़ एक वीडियो देखेंगे, कमेंट करेंगे और इनसे रब्ता करें। इनका नंबर मैं आपको देता हूँ। अगर कोई भी पेशेंट है जिनको मोतिया है या इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई यानी कि राशन के हवाले से कुछ प्रॉब्लम है, जो भी शफीक साहब के अपने हिसाब से मदद होगी वो आपसे करेंगे। शुगर की दवाइयाँ चाहता हो, जो शुगर की दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकता, जो ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। जबरदस्त शफी साहब, लास्ट में कोई हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें, आप छोटा सा कोई मैसेज देना चाहें, क्या देंगे? जी, बस अपने लिए सभी करते हैं, कोशिश ये करें कि दूसरों की हेल्प करें, दूसरों के लिए सोचें। सही सोच महदूद रखेंगे तो समझ जाएं आपको मुनाफा कम मिलेगा, और अगर आप अपनी सोच को वसी कर देंगे तो आपको मुनाफा भी और दिली खुशी भी बहुत होगी। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। जज़ाकअल्लाह, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे लगता है मेरा आज दिन का सफ़र जो है बहुत खूबसूरत हो गया, क्योंकि जब खूबसूरत लोगों से मिलते हैं तो खूबसूरत लोग ही मिलते हैं और खूबसूरत काम सीखने को मिलते हैं। तो खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।